बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं, समझना है। चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज पार्ट 7 जो है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक हो गया भाई? अब यहाँ पर ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, मैंने पहले ही लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है ये, द फॉर्मूला फॉर रस्ट इज़, ये वाला। लेकिन इसमें आगे जाने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इसको बंद कर दें, अभी कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो ज़रा सर्च कर लीजिएगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पार्ट 1, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पार्ट 2, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पार्ट 1 और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पार्ट 2, ये चार वीडियोस मैंने बनाई हैं, ज़रा वो आप सर्च कर लीजिए। जाइए मेरे पेज के ऊपर, रटना नहीं समझना है, उस पर आपको मिल जाएंगी ये, वो चारों वीडियोस देखिए और उसके बाद इस यहाँ पर आइए तो ये आपको समझ में आएगी, वरना आपके सर पे से गुजर जाएगा ये सब कुछ कि ये हो क्या रहा है। ठीक है भाई, अब ज़रा इसकी तरफ चलते हैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास। इस प्रॉब्लम में ये जो आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड है, इस प्रॉब्लम का सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि इस प्रॉब्लम के अंदर इन्होंने इक्वेशन नहीं दी, इनको इक्वेशन देनी चाहिए थी। क्या करना चाहिए था इनको? इक्वेशन देनी चाहिए थी। ये इक्वेशन वो ये रही वो इक्वेशन। क्यों देनी चाहिए थी ये इक्वेशन? पहली बात क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम इस इक्वेशन की मदद से ही सॉल्व होगी, फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगी, ना ये मैनुअल सॉल्व होगी, इक्वेशन की मदद से इसको सॉल्व होना है और उन्होंने ये इक्वेशन इसमें नहीं दी। तो ये इक्वेशन आप पहले तो अपने पास नोट कर लीजिए, इसकी मदद से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब इस प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम बोल क्या रही है? बोल रही है रस्ट या जंग जिसको हम कहते हैं, उसका जो है वो ये रहा फॉर्मूला Fe2O3। ये रस्ट का फॉर्मूला है। किसका है? रस्ट का है। इसमें बोल रहा है वो हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ रस्ट। रस्ट को समझ लीजिए, जंग को समझ लीजिए। रस्ट और जंग क्या है? आयरन की जो चीज़ें होती हैं उन पर जो जंग लग जाता है वो किसकी वजह से लगता है? हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन होती है वो उसके साथ रिएक्ट करती है, किस चीज़ की मौजूदगी में? मॉइस्चर की मौजूदगी में, ह्यूमिडिटी की मौजूदगी में, नमी की मौजूदगी में, पानी की मौजूदगी में आयरन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और उसके नतीजे में क्या बनता है? रस्ट बनता है। आयरन का जो फॉर्मूला है वो Fe है, ऑक्सीजन के जो फार्मूला है वो O2 है और उसके बाद रस्ट जो बनता है उसका फार्मूला है Fe2O3। ये इसका फार्मूला है, ये इसकी इक्वेशन बन गई। समझ में आ गई बात? तो इसी जंग इसी रस्ट की वो बात कर रहा है क्या कि ये रस्ट जो है वो आपको दिया गया है क्या? 30 ग्राम दिया गया है। इसमें आपने क्या बताना है? इसमें आपने मोल्स बताने हैं। क्या बताने? मोल्स कितने हैं? किसके मोल्स? आयरन के मोल्स कितने हैं 30 ग्राम रस्ट के अंदर। और ये इसने इसका फॉर्मूला भी दे दिया है। ठीक है भाई, तो डेटा गिवन क्या है हमें? मास ऑफ रस्ट दिया है उसने 30 ग्राम पहले और फॉर्मूला दिया है रस्ट का, ये हमारे पास आ गया। फॉर्मूला देने का मकसद ये है कि हम यहाँ से उसका क्या फाइंड आउट करें? हम यहाँ से उसका मॉलिकुलर मास निकालें यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका मोलर मास जो है हमने निकाला है वो कितना निकला है? 160 ग्राम। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। Fe के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये मास जो बनेगा वो कितना बनेगा? 160 ग्राम बनेगा। रिक्वायर्ड क्या है? वो बोल रहा है मोल्स ऑफ आयरन, आयरन के मोल्स बताइए। अब क्या करेंगे हम इस इक्वेशन की मदद लेंगे। लेकिन आपको याद है कि जब भी हम इक्वेशन से मदद लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मोल रेशो इक्वेशन को चेक करते हैं कि आया इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। इक्वेशन चेक कर लीजिए, इक्वेशन बैलेंस है। उसके बाद आप मोल रेशो बनाएंगे, मोल रेशो बना लिया। उसके बाद मास रेशो बनाएंगे, मास रेशो बना लिया। जिन्होंने वो चार वीडियोस देखी होंगी उनको बिल्कुल मज़े से समझ में आ रही होगी मेरी बात, जिन्होंने नहीं देखी वो परेशान होंगे, पहले बता रहा हूँ। अब क्या है यहाँ पर हमारे पास, इसके लिए क्या करें हम? वही 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम, हाँ सही है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बाद में कर लेंगे, भले वो कोई मसला नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इक्वेशन के मुताबिक अब हम चलते हैं, हमें अपने टारगेट पे नज़र रखने। उसने बोला क्या? उसने मोल्स पूछे हैं। क्या पूछे हैं उसने? उसने मोल्स पूछे हैं आयरन के। ये रहा हमारा, ये रहा आयरन, ये इसके मोल पूछे हैं। और मास किसका दिया है? इसका मास हमें दिया है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम जनरेट होती है वो प्रॉब्लम ये जनरेट होती है कि उसने पूछे क्या है? मोल, और दिया क्या है? मास।
एक रिएक्टेंट के मोल पूछे हैं और प्रोडक्ट का मास उसने दिया है, कितना मास दिया है इसका 30 ग्राम दिया है, और इसके क्या पूछे हैं रिएक्टेंट के मोल पूछे हैं, तो ये थोड़ी सी हो जाएगी प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, क्योंकि इसके मोल फाइंड आउट करने हैं, नोट कर लीजिए ये बात, इसके मोल फाइंड आउट करने हैं, इसलिए इसका जो मास है 30 ग्राम उसको पहले आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें फॉर्मूले की नीड है, कन्वर्जन का हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। क्या है, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम किससे डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला मास से, ठीक है भाई। मास इन ग्राम कितना है हमारे पास 30, फॉर्मूला मास कितना बनेगा, यहां पर मैं लिख देता हूं Fe2, ये इसका फॉर्मूला है O3। तो दो आयरन के एटम है, एक एटम का एटॉमिक मास 56 है, दूसरे का भी 56 ही होगा, दो है Fe2 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, इनको जब आप जमा करेंगे तो इसका जवाब आपके पास कितना आएगा 160 ग्राम। इस 160 को हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है भाई, मास इन ग्राम भी आ गया, फॉर्मूला मास भी आ गया, 160 इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो जवाब आ जाएगा 0.1875 मोल ऑफ रस्ट। अब आपने मसला हल कर लिया, क्योंकि ये ज़रूरी था, उसने मोल पूछे हैं तो जिस चीज़ की मदद से आपने मोल बताने हैं उसको भी आपके पास मोल में होना चाहिए, क्योंकि वो ग्राम में था इसलिए अब हमें कन्वर्ट करना ज़रूरी है उसको मोल में, ही हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया इसको। अगर वो हमें मास देता है, क्या देता है, मास देता है और यहाँ पर मोल है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस मास को हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपके पास 30 ग्राम जो है वो रस्ट इसकी कितने मोल के बराबर है, 0.1875 मोल के बराबर है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे उसको वहाँ पे मिटाना पड़ेगा, इसीलिए मैं साइड में हो गया हूँ ताकि आप ये नोट कर लें। आगे चलें, अब वो तीन स्टेप जो हैं वो हम कर सकते हैं। क्या पूछें उसने, आयरन के मोल पूछें, तो यहाँ पर हम देखें ज़रा कितने मोल आयरन के, कितने मोल जो हैं वो रस्ट के बना रहे हैं, 4 मोल जो है वो आयरन के, 4 मोल ऑफ आयरन Fe मेक, कितने मोल बना रहे हैं, 2 मोल बना रहे हैं ऑफ रस्ट, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब 1 मोल की तरफ चलेंगे स्टेप नंबर 2 में, 1 मोल ऑफ Fe मेक इज इक्वल टू, जो यहां लिखा हुआ है मैं पहले ही बता चुका हूं, इस नंबर को यहां लेके आए, डिवाइड का निशान लगाएं, शुरू में जो नंबर लिखा हुआ है ये 4, इसको यहाँ लेके आए, ये 4 आ गया, 2 को 4 में डिवाइड करेंगे, 2 अंदर 2, 2 टू ज़ा 4, और ये क्या हो जाएगा 0.5 मोल। स्टेप नंबर 3 पे अब हम क्या करेंगे, जो उसने हमसे जो है वो क्या बोला है कि मोल बताइए, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो सॉरी भाई, वीडियोज़ वगैरह तो एडिट नहीं करता मैं, ठीक है, तो ये भी मैं इसी तरह अपलोड कर दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे आयरन के मोल्स की मदद से नहीं चलना था, बल्कि मुझे जो है वो आयरन के मोल, 4 मोल हो गए, 1 मोल हो गया, रस्ट के मोल्स की मदद से जो है मुझे आयरन के मोल बताना, तो यहाँ पर रस्ट के मोल्स को लेंगे, वेरी 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 सॉरी, लेकिन चलें, मिस्टेक्स तो अच्छी होती हैं, वो देखा है ना आपने, दाग तो अच्छे होते हैं, टेंशन नहीं लें, ठीक है भाई, मैं कोई एडिट वगैरह नहीं करूँगा इस वीडियो को, इसी तरह जा रही है, ये भी सीखें, मिस्टेक्स से भी, टीचर्स की मिस्टेक्स से भी सीखा करें। हम इसको लेंगे, उल्टा सिस्टम बताएंगे कि 2 मोल जो हैं वो 2 मोल ऑफ रस्ट में कितने मोल बना रहे हैं, 4 मोल ऑफ Fe, ठीक हो गया, 4 मोल ऑफ Fe। अब 1 मोल की तरफ चलें, 1 मोल ऑफ रस्ट में एक 4 को एज इट इज नीचे लेके आए, 2 को यहां पर लेके आए, डिवाइड करें, 2 अंदर 2, 2 टू ज़ा 4, क्या जवाब आ गया, 2 मोल, ठीक है,
अब वहाँ पर ये जो हमने मोल फाइंड आउट किए हैं इनको इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल इसी तरह 0.1875 मोल ऑफ रस्ट कितने बनाएंगे, याद है दूसरे सेकंड पे जो जवाब आता है हम उसको यूटिलाइज करते हैं, यहाँ पर ये टू इसी तरह लिखेंगे, शुरू में जो थर्ड स्टेप पे आएगा इसको यहाँ लेके आएंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, 0.1875 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 0.1875 ठीक है भाई, क्या जवाब आ रहा है 0.375 मोल, ठीक है भाई 0.375 मोल। इसका हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट बनाते हैं यहां पर, इसका रिजल्ट बनाते हैं यहां पर, नोट कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने, नोट लाजमी करना, इसका रिजल्ट क्या बनाएंगे हम, रिजल्ट क्या होगा कि कितने मोल बन रहे हैं 0. तो यहां पर उसका सवाल क्या था, उसने बोला था आयरन के मोल बताइए आप कितने, तो आयरन के मोल हमने ये फाइंड आउट कर लिए, लेकिन किसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि जीरो, ये हमारे पास क्या होगा कि 0.375 मोल्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट, 0.375 मोल ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ रस्ट।